की वजह से पानी थोड़ा 50% कम हुआ है, पानी आ रहा है, पानी की तकलीफ है बहुत ज्यादा है, तो 50% कट ऑफ हुआ है, अंदाज में भी पानी नहीं आता है, और पूरी दोस्ती बूंद बूंद पानी को तरस रही है सर। इससे अच्छा तो चाल में रहते थे, वो बेटर होता था। शहर को बताया जा रहा है बूंद बूंद को तरस रही है ये दोस्ती। यकीन करिए, जिन लोगों ने 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख का फ्लैट लिया है, वो लोग बाल्टी से किचन से पानी भर रहे हैं। 50% पानी कम हुआ है। 4 करोड़ भरने के बाद भी अगर हमको हक नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा है इस्लाम सर, तो ये बहुत अफसोस की बात है, और इसमें जितना अफसोस किया जाए उतना अफसोस कम है। अभी हमने नहाए बोले हैं तो एक लोटा पानी से नहाने का है, वो दो तीन लोटा पानी मतलब पोछने वाला हो गया ना हिसाब। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है हम शील इलाके का जो दोस्ती कॉम्प्लेक्स है, आपको बता दें वहां पर मौजूद है। दरअसल यहां पर पानी की तकलीफों को लेकर जो है कई खबरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि यहां पर करीब एमराल्ड और अल्मोरा और रूबी करके ऐसे करीब 9 इमारतें हैं दोस्ती कॉम्प्लेक्स में, और पानी की काफी शिकायतें यहाँ से आ रही थी। लेकिन यहाँ पर और सोसाइटी के लोगों से हमने बातचीत की तो उन लोगों का कहना है कि पानी जो है वो 4 दिन से आ रहा है लेकिन कम आ रहा है। लेकिन और भी सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे जब हमने जानना चाहा तो उन लोगों का ऐसा कहना है कि पानी की काफी तकलीफें हैं, पानी नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि पानी जो है वो 50% आ रहा है, 50% की कटौती हुई है। हालांकि कुछ लोग जो है दीवा प्रभाग समिति के जो सहायक आयुक्त हैं उनसे मुलाकात की और पानी की तकलीफों को लेकर जो है उन्हें मेमोरेंडम भी दिया है। लेकिन आपको बता दें कि जो दोस्ती कॉम्प्लेक्स है यहाँ के जितने रहने वाले लोग हैं, अगर आप जो है किसी से बात करते हैं तो सबके अलग अलग तर्ज है पानी को लेकर। कोई कह रहा है कि जो है 50% पानी आ रहा है, कोई बोल रहा है कि 3-4 दिन से पानी की काफी जो है किल्लत हो रही है, पानी 24 घंटे आता था लेकिन फिलहाल जो है थोड़ी बहुत कटौती हुई है। तो कोई कहता है कि जो है पानी की काफी किल्लत यहाँ पर है। लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ पर कैमरे के सामने बोलने के लिए राजी हुए हैं और किस तरह से उन लोगों ने कैमरे पर क्या कुछ पानी की तकलीफों को लेकर बताया है आपको सुनाते हैं। पानी 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 हम लोग को जो हमको जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड क्वांटिटी है वो आता था और हमें वो सफिशिएंट होता था पानी। पिछले 5 साल से तो आपने रेयरली देखा होगा कि पानी की कभी कमी हुई। होती है जब भी MIDC में पाइप टूटता है, ऐसे कुछ चीजें होती है तब कमी होती है। लेकिन हमारे जो TMC ऐसा प्रोजेक्ट अप्रूवल है इस पे के अपना जो पानी वगैरह का जो स्टोरेज टैंक है, WTP है, वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की चीजें बनी है, उस वजह से हमें सफिशिएंट हो जाता है पानी जितना। यानी आपका कहने का मतलब सीधा है कि पानी जो है वो आ रहा है, थोड़ी बहुत पानी की कमी है लेकिन जितना बताया जा रहा है उतना नहीं। पानी देखो लास्ट 4 डेज से कम है पानी, मैं बोलूंगा कि ऑलमोस्ट 50% कट ऑफ हुआ है। लेकिन वो स्टेटमेंट पानी पानी को तरस रहा है, इससे क्या होता है गलत स्टेटमेंट जाता है तो हमारे जितने कमेटी मेंबर्स काम कर रहे हैं एक चीज के ऊपर उन सबका मेहनत जीरो हो जाती है। तो उस वजह से मैं कहना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट का फ्लैट के वैल्यूएशन गिरते हैं, कोई अगर किसी की डील चल रही है ऑलरेडी तो वो डील भी ब्रेक हो जाती है। यहाँ पे कोई जरूरतमंद घर बेच रहा होगा जरूरत की वजह से तो घर का वैल्यूएशन भी गिर जाता है। तो बोलने का मतलब है कि ऑलमोस्ट मैं अगर कैलकुलेट करूं तो 50% कट ऑफ हुआ है। तो आपने कुछ मनपा के अधिकारियों से बातचीत की है कि आखिर क्यों पानी की कटौती हुई है और कब तक इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा? हाँ, हम कॉन्स्टेंटली टच में प्रभाग समिति में, जैसे मैंने कहा फारूक साहब के साथ टच में है, हमने मेमोरेंडम दिया है और मेमोरेंडम दे के हमें आश्वासन मिला है। हमें हमारे स्थानीय नगर सेवक हीरा पाटिल साहब के कॉन्टैक्ट में है, हमें आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द जो है पानी का जो हमारा सप्लाई रीस्टेज करा जाएगा, वापस से उतने सप्लाई पे लाया जाएगा जो हमें पहले मिलता था। समुद्दीन भाई, इस आपके वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर 5 साल से रहता हूँ दोस्ती में, अल्हम्दुलिल्लाह पानी की कभी कोई कमी नहीं थी। ठीक है, मैं अभी 4-5 दिन से ऐसा हुआ है कि कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से पानी थोड़ा 50% कम हुआ है, पानी आ रहा है। और मैंने एक वीडियो चलाई गई है दोस्ती की कि मतलब मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, तो भाई चेयरमैन कोई पूरी दोस्ती का कोई नहीं है, अपनी विंग के अपनी दोस्ती की एक सोसाइटी की एक विंग के चेयरमैन है वो। और जो इस तरीके से पूरे समाज में पूरे शहर को बताया जा रहा है बूंद बूंद को तरस रही है ये दोस्ती, तो ये सब बिल्कुल एकदम गलत न्यूज़ चलाई गई है। मैं उसका खंडन करता हूँ
और दूसरी एक चीज, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे ये तनवीर इसरार भाई, ये मैडम नावेद सर, ये सब लोग, हम लोगों की पूरी टीम जो सोसाइटी है, वो कल हमारी एमसी ऑफिसर से दीवा प्रभाग समिति में बैठक हुई, हमारे कॉरपोरेटर हीरा पाटिल साहब की इधर बैठक हुई, मीटिंग हुई, हमको आश्वासन दिया गया कि हम जो टेक्निकल इशू आया है, जो 50% पानी कम हुआ है, उसको हम कोशिश करके पूरा करेंगे। मगर कुछ चीज़ें ऐसी है, मैं बताना चाहता हूँ कि ये दोस्ती सिर्फ एक फ्लैट लेने से, एक दोस्ती में एक घर में रहने से, पूरी दोस्ती का चेयरमैन हूँ और पूरी दोस्ती बूंद बूंद पानी को तरस रही है, सब फेक न्यूज़ है और उस पर कोई ध्यान ना दिया जाए। हम 5 साल से आ रहे थे, कोई पानी की तकलीफ नहीं है, आज भी कोई पानी की तकलीफ है थोड़ी बहुत, 50% मैं बोल रहा हूँ, हमारे तनवीर भाई बोले, हमारे मैडम बोले 50% पानी कम हुआ है। मैं मिसेस राजपूत हूँ, एमरल्ड एज से, अभी तो बस पानी का ये है कि बस शॉर्टेज है, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है, मैं तो हमारे यहाँ पानी बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा, 4 साल कम्प्लीटेड 4 ईयर्स, नहीं म्यूनसिपालिटी से जो होता है कम ज्यादा उसी से होता है, मगर अभी 4 दिन से प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, आ रहा है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, 24 घंटे जहाँ पानी आता था वहाँ पे थोड़ा कम हो गया है, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 4 दिन से ही सिर्फ तकलीफ है, बाकी इतने 4 सालों से पानी अच्छा आ रहा था, बस अभी हमारे जो कमेटी मेंबर है, इंशाल्लाह अल्लाह उनको तरक्की देगा, ऐसे उनको करवा देंगे वो लोग इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब, दोस्ती में पानी को लेकर काफी तकलीफ है, ऐसी जानकारी आ रही है, कुछ लोगों का कहना है कि पानी जो सिर्फ 50% की कटौती है, कुछ टेक्निकल रीजन बताया जा रहा है कि पानी जो है उस समय पर जिस समय यहाँ आता था उस समय दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहा है, इस वजह से जो है थोड़ी बहुत 4 दिन से पानी की तकलीफ आ रही, और इस पर आपका क्या कहना है? आप ऐसा कह रहे थे कि जो है काफी दिनों से पानी नहीं आ रहा है। देखिए, पानी की किल्लत ना इस्लाम सर, ये हमको पिछले हफ्ते से दिक्कत महसूस हो रही बहुत ज्यादा, और जैसा कि अगर मैं आपको पूरी बताऊं, एज पर टीएमसी बोलती है कि 400 लीटर एक कुटुंब, एक फैमिली के ऊपर सफिशियंट होता है और हम उतना ही उनको पानी देंगे। तो हम लोग को जो पानी रात में छूटता था और जो पानी सुबह आता था, अभी टीएमसी सुबह फॉर एग्जांपल 9 बजे से लेके इस्लाम सर हमको पानी देती थी शाम के 5 बजे तक, सुबह के पानी में उन्होंने 3 घंटा काट लिया और रात में जो पानी छोड़ दी टीएमसी ने, उन्होंने वहाँ पे काट लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जो पानी अगर हमको फॉर एग्जाम्पल 100 लीटर आता था, अब वो पानी हमको 30 लीटर में मिल रहा हमको, जिसकी वजह से पूरे रेसिडेंट्स, अगर आप चलते फिरते किसी से ही पूछेंगे कि भैया आपको क्या तकलीफ है, मैडम क्या आपको क्या तकलीफ है, तो इस्लाम सर आप यकीन करिए, जिन लोगों ने 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख का फ्लैट लिया है, वो लोग बाल्टी से किचन से पानी भर रहे हैं और बाथरूम में जाके इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज पाउस का मौसम है, आज रेनी सीजन है, बारिश का मौसम है, आज ये किल्लत है इस्लाम सर, तो आप यकीन जानिए जब गर्मी का मौसम जब आएगा तो किल्लत और महसूस होगी। ये भी हमारे एक रेसिडेंट इनसे पूछी कितनी किल्लत है पानी, बहुत से लोगों से हम लोग ने पूछना चाहा, लेकिन लोग कैमरे पे नहीं बोल रहे, खाली बोल रहे हैं पानी की तकलीफ है, ऐसा बोल के चले जा रहे, बस कैमरे पे कोई बोलने को राजी नहीं हो रहा है। देखिए इस्लाम सर, मैंने आप ही लोगों से सुना हूँ, हदीस पाक में हमारे नबी ने फरमाया कि सबसे बड़ा जिहाद ये है कि तुम हक बात कहो और सच्ची बात कहो, वला यखाफु मिन लौमत लाइम, किसी के मलामत करने से वो ये बोलेगा, बिल्डर ये बोलेगा, फलाना बोलेगा, सोसाइटी बोलेगी, मत डरिए। जो तकलीफ है, हमारे जसवाल सर हैं बेचारे रोड ड्यूटी करते हैं, इनको तकलीफ है, दीवा प्रभाग समिति कमिश्नर से जाके मिल के आए, पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है वो बताइए। 100 में से सिर्फ 30% पानी आ रहा है इस्लाम सर, और 30% के अंदर 20% तो सिर्फ किचन में औरतों को लगता है और 10% बच्चों को लगता है, तो बेचारे ये जो जॉब पे जाने वाले लोग क्या करेंगे। पानी की तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है इस्लाम सर, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ के सोसाइटी के, उन लोगों का ऐसा कहना है कि इस पे पानी जो है दोस्ती में नहीं आ रहा है, बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, तो इस पे बताया जा रहा है कि आप जो है बोले राजनीति कर रहे हैं, आप पहला लेटर डाल दिए ऐसा कुछ। देखो इस्लाम सर, हर आदमी अलग अलग माँ के पेट से पैदा हुआ है और सबकी विचारधारा अलग होती है, उनकी आज़ादी है सोचने की। यहाँ पे तो लोग ऐसे है जो महात्मा गांधी को भी लोग आजकल गोली मारते हैं, तो हर एक की सोच, हर एक की विचारधारा है। हमारी सोच, हमारी भी विचारधारा ये है कि बिल्डर ने जब कहा था कि 24 घंटा पानी आपको आएगा, आप टाकी लगा नहीं सकते, मुमरा में अपनी टाकी लगाते हैं सर, घर में आपकी टाकी है, हमारे हुसैन सर की टाकी है, लेकिन यहाँ आप टाकी लगा नहीं सकते, अगर टाकी नहीं लगाओगे तो पानी जब टीएमसी मिल ही नहीं रहा तो पानी कहाँ से आएगा, तो पानी हमारी कितने देर
अभी देखो टीएमसी की तरफ से हमको सिर्फ 5 घंटा पानी आ रहा है, और भी प्रेशर कम है इस्लाम सर, और जिसके प्रेशर कम होने की वजह से ना किल्लत बहुत हो रही है, हमारे बुजुर्ग है या हमारे जायसवाल सर है, जितनी भी लोग हैं सबको किल्लत है पानी की, और हकीकत है, और हम आपके सामने बोल रहे हैं लोगों को, और हम उम्मीद करते हैं कि टीएमसी महानगर पालिका और कमिश्नर हमारी तकलीफ को दूर करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा तवारक अली शाह नाम। कहाँ पे रहते हैं? कौन से? अल्मोड़ी। और जैसा कि कहा जा रहा है कि पानी की तकलीफ तो है यहाँ पर, लेकिन उतना पानी की तकलीफ नहीं है जितना बताया जा रहा है। तो अभी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है पानी की तकलीफ। कैसे एडजस्ट कैसे होता है? वही आता है तो पानी बिस्लरी हम लोग खरीद के पीते हैं, और उसके बाद पानी में संडास में भी पानी नहीं आता है, किचन में वही 1 घंटा आधा घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो आ जाए 1 घंटा आधा घंटा वही है, यानी काफी तकलीफ हो रही है पानी को लेकर। सर मैं गुलाब जायसवाल। किस में रहते हैं आप? शिविंग, एलमोर शिविंग। पानी की तकलीफ है? बहुत ज्यादा है, जरा भी पानी नहीं मिला, खाली किचन में थोड़ा बहुत 1-1.5 घंटा आता है बस, बाकी का ऐसे चला है, 3-4 दिन से तो नहाए नहीं है। हाँ, बिना नहाए काम धंधे पे जा रहे हैं, खाली मुंह धोते हैं ब्रश करते हैं बस, ऐसे लग कपड़ा सब भरा हुआ है, इतना तकलीफ चालू है कि पूछो। तो फिर इतने बड़े हाई फाई सोसाइटी में रहकर क्या मतलब है? मतलब तो कुछ ऐसे अच्छा तो 10-5 लाख रुपए फ्लाइट में जो चाल में रहते थे वो बेटर होता था, यहाँ पे रह के मतलब कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, जो सोसाइटी के लिए हम लोग आए थे जो मिलेगा हमको 0% है एकदम। जिन लोगों ने हम लोगों ने अपने हाथ से 4 करोड़ रुपए टैक्स भरे, प्रॉपर्टी टैक्स 4 करोड़ भरने के बाद भी अगर हमको हक नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा इस्लाम सर, तो ये बहुत अफसोस की बात है, और इस पर जितना अफसोस किया जाए उतना अफसोस कम है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। कहाँ रहते हैं? कौन से विंग में? एलमोसी। पानी की तकलीफ है? पानी की वही तो प्रॉब्लम है, हम लोग पूछ रहे हैं पानी क्यों नहीं आ रहा, बाथरूम में पानी ही नहीं है। कितने दिन से? 4-5 दिन हो गए। कितना घंटा आता होगा लगभग पानी? बिल्कुल ही बंद हो गया, खाली किचन में आ रहा है इसको पानी, बाथरूम का पानी बिल्कुल कोई आ ही नहीं है, परेशान है सब लोग, कैसा जाएंगे बाथरूम में जाएगा कैसा, कोई इस्तेमाल के लिए पानी नहीं। बशीर अहमद। पानी की तकलीफ है यहाँ पर जिस तरह से लोग बता रहे हैं? पानी की बहुत तकलीफ है, पानी नहीं होगा तो कैसा गुजारा कैसा होगा, पानी तो होना चाहिए ना। और लोगों का कहना है कि पानी आ रहा है, 50% पानी आया है, 50% का जो है कटौती है, ऐसा पता है। लोग तो टैंकर से मंगा रहे हैं पानी, जो 50% पानी नहीं आ रहा, जो भी पानी आ रहा है टैंकर से मंगा के हम लोग वापर रहे पानी, इस तरह कैसे चलेगा, हम लोगों की जिंदगी ऐसी गुजरेगी? पानी तो होना जरूरी है ना, नहाने धोने को पानी नहीं है, बाथरूम में पानी नहीं है, बच्चे लोग स्कूल जाना है वो बगैर नहाए धोए स्कूल जाएंगे, बच्चे लोग ऑफिस में जाना है काम पे जाना है बगैर नहाए धोए लोग जाएंगे। आप नहाए आज? अभी हमने नहाए बोले ना तो 1 लोटा पानी तो नहाने का है, वो 2-3 लोटा पानी बदन पोछने वाला होगा ना हिसाब, नहाना किधर हो गया वो। आपने सुना कि दोस्ती कॉम्प्लेक्स में जो है पानी की काफी शिकायतें हैं, हालांकि कुछ लोग जो हमने आपको पहले सुनाया उन लोगों का कहना था कि जो है 50% तक जो है पानी की कटौती हुई, लेकिन वही सोसाइटी में अलग अलग जो अलमोर है और फिर आप देखेंगे इधर रूबी है, तो इस तरह की जो 8 से 9 बिल्डिंगें हैं, इन बिल्डिंगों में तमाम रहने वाले लोगों का कहना है कि पानी की तकलीफ यहाँ पर वाकई में है, क्योंकि 4-5 दिन से जो है पानी की तकलीफ इतनी है कि जो ये कई लोग तो ऐसा बता रहे हैं कि ये जब 4-5 दिन से नहाए भी नहीं,